दोस्तों, ये है मास्टर एज अ डेडी का एपिसोड 77। सो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे हीरो का न्योला बहुत ज्यादा खुदाई किया जा रहा था, एंड जिस जगह पर वो खुदाई कर रहा था वहाँ पर शायद से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा खजाना था। एंड उसके बाद हमारे हीरो के न्योले ने एक जगह पर बहुत ज्यादा अपना स्लैश कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर दरारें आ गई थी। एंड उन दरारों में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल टाइप ऑरा निकलता है, एंड दोस्तों कुछ भूत टाइप ऑरा भी निकलता है। और जिसे देखकर जो स्पिरिट गर्ल है वो हमारे हीरो से बोलती है कि मास्टर जरा संभल कर। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपनी फिल्म टेक्निक का यूज करके उस भूत जैसी कोई चीज उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के उस अटैक की वजह से जो वो घोस्ट है ना वहां से गायब हो जाते हैं। एंड ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, क्या ये एश एंशियंट टॉम के कुछ मरे हुए बॉडीगार्ड थे? हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी, ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं निकले। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे हीरो के उस नियोले ने अटैक किया था, जहाँ पर वो दरारें हो गई थी, वहां पर एक और ऑरा निकलने लगता है। एंड उसके बाद ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे ना बहुत ही ज्यादा बड़ा खजाना होने वाला है, वरना जो इस खजाने का असली मालिक होता वो यहाँ पर बॉडीगार्ड ही क्यों लगाता। एंड जो बॉडीगार्ड है ना वो मरने के बाद भी इस खजाने की रखवाली कर रहे हैं, भाई कितना बड़ा खजाना होगा। सो स्पिरिट गर्ल बोलती है कि मुझे भी ये महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ अजीब तरह के और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस हो रहे हैं। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि हमने इस एंशियंट टॉम को खोद दिया है, इसी वजह से हम इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं आप, और मुझे यहाँ पर जो ऑरा महसूस हो रहा है उससे लगता है कि मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस गड्ढे की ओर अपना पैर ले आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों वो तीनों ही उस गड्ढे में कूद जाते हैं। एंड हमारा हीरो सोच रहा होता है कि नीचे जाकर ही पता चलेगा कि यह हमारे लिए अच्छा होगा या फिर बुरा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो नीचे आ गया होता है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, कुछ अजीब टाइप का धुआं धुआं कालापन होता है। एंड हमारे हीरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गया भैया। हमारा हीरो बोलता है कि दावीर क्वीर, एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर हम तीनों साथ में ही तो कूदे थे, वो दोनों कहाँ पर गायब हो गए। लेकिन अगले मोमेंट में हमें किसी के नहाने का सीन दिखाया जाता है। एंड जैसे ही हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम तो। एंड दोस्तों वहां पर होती है लिंगलिंग, एंड जो हमारे हीरो से कतई रोमांटिक अंदाज में बोल रहे होते हैं कि काफी टाइम से नहीं मिले मिस्टर यांग। एंड उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है कि तुम तो फ्रांस में थी ना, और जब तुम वापस आई तो तुमने मुझसे बात तक नहीं की, ऐसी कैसी दोस्तों तुम। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर हमारी हीरोइन लियू लिंगलिंग का कमरा होता है, वहाँ पर वो नहा रही होती है। एंड वो नहाते हुए हमारे हीरो से बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हाँ तुमने भी तो उस टाइम से बिल्कुल मुझसे बात भी नहीं की, एक बार कॉल तक नहीं किया जब से मैं यहाँ से गई हूँ। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो एक और रोमांटिक अंदाज में बोलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी पीठ साफ कर दो। एंड ये मौका हमारा हीरो कैसे छोड़ सकता है, वो तो बहुत ही ज्यादा सज्जन आदमी है। सो वो बोलता है कि बिल्कुल तुम ऐसा ही चाहती हो, तो मैं आखिर पीछे क्यों हटने लगा। एंड जैसे ही हमारा हीरो थोड़ी ही और आगे अपना हाथ बढ़ाता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं, आखिर लियू लिंगलिंग इस तरह की एक जगह पर क्यों होगी, और अचानक से ही मेरे सामने क्यों आ गई। एंड दोस्तों अगले मोमेंट में जो वो सीन था ना वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई लियू लिंगलिंग नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जो हमारे हीरो को एक इल्यूजन दिखा रहा था। एंड जैसे हमारा हीरो उस भूत वाली लियू लिंगलिंग के पास जाता वो बस उसका राम राम सत्य हो जाता। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों वो पूरा जो इल्यूजन था ना वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एंड हमारा हीरो भी काफी हैरान था कि भैया इतना ज्यादा खतरनाक ये कौन सा इल्यूजन था। एंड उसके बाद जो वो घोस्ट है ना वो हमारे हीरो पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो जैसे तैसे उसके अटैक से बचता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, आखिर तुम मेरे दिल के साथ इस तरीके से कैसे खिलवाड़ कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है अभी के अभी। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस भूत में लात मार देता है। एंड बोलता है, आखिर तुम कैसे इतना घटिया मजाक कर सकते हो, मेरे दिल के साथ खेलना खिलौना है क्या कोई। जिसके बाद जो वो भूत है ना वो बहुत ज्यादा दूर हवा में उड़ने लगता है, दूर फेंकने लगता है। एंड उसके बाद वो शायद से एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट टाइप का हो जाता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो की नजर अपने न्योले पर पड़ती है, पीछे से आवाज आ रही होती है। एंड हमारा हीरो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों हैरान तो हम भी हो जाते हैं कि ये राक्षस जैसा कोई इंसान या आदमी कुछ भी कह लो दायरे से कितनी रोमांटिक तरीके से भाई किस कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को ये जो न्योला है ना उसे वो भूत कोई भूत नहीं लग रहा है, वो एक इल्यूजन लग रहा है। एंड वो कतई ज्यादा रोमांटिक न्योला दिख रहा है उसे अपनी ही तरह। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है, अगर तुम अभी के अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हारे जो लाल फल है ना वो एक साल के लिए तुम्हें देना बंद कर दूंगा।
एंड उसके अगले मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो वो इल्यूजन होता है ना हमारे हीरो के नेवले का, वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो के नेवले को एहसास होता है कि भाई वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था, जो गलती है ना वो उसके सामने है, वो गलती बहुत ज्यादा बदसूरत भी है, उस गलती की नाक में से भी पानी निकल रहा होता है। एंड ये देखकर हमारे हीरो का नेवला बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम लोग खुद ही उसका चेहरा देख लो भाई लोग। एंड उसके अगले मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारे हीरो का नेवला है वो अपने पंजे निकाल लेता है बहुत ही ज्यादा शार्प, एंड वो उस भूत को बीच में से काट देता है। आखिर हमारे हीरो के नेवले के साथ भी कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। एंड जो हमारे हीरो का नेवला है ना वो बहुत ज्यादा उस टाइम पर एटीट्यूड में था, एंड वो एटीट्यूड में बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। एंड दोस्त मुझे पता है एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे हीरो का जो नेवला है वो लड़का या लड़की, क्योंकि उसे इल्यूजन में तो एक लड़का ही दिखाई दे रहा था, मेरा मतलब एक मेल नेवला, शायद से एक फीमेल होगी। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी का जो इल्यूजन है वो वहाँ से गायब हो जाता है, एंड वो तीनों एक साथ हो जाते हैं। एंड हमारा हीरो अपने उस स्पिरिट गर्ल से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सो स्पिरिट गर्ल जवाब देती है, ऐसा लगता है कि मेरी जो स्पिरिट बॉडी है ना उसकी वजह से मुझ पर इल्यूजन्स कोई काम नहीं करते। एंड उसके अगले मूवमेंट में हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है, एंड उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है ये तो एक कब्र की तरह लग रहा है। एंड जो स्पिरिट गर्ल है वो बोलती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके अंदर से अजीब टाइप का ऑरा निकल रहा है। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो कब्र है ना अपने आप ही खुलने लगती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के बंगले के चारों ओर बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म आ गया होता है, मतलब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही होती है, एंड वहां पर काले बादल आ गए होते हैं। हमारा हीरो ये सब सुन रहा होता है, सो वो बोलता है कि क्या थंडर। एंड उसके बाद दोस्तों उस बक्से में से किसी के सूखे पड़े हाथ दिखाई देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें से एक मुर्दा बाहर निकलता है, एंड ये देखने में काफी ज्यादा डरावना होता है, जिसकी वजह से हाँ मेरी भी हालत खराब हो गई है। एंड दोस्तों इस मुर्दे में से बहुत ज्यादा खतरनाक पावरफुल ऑरा बाहर भी आ रहा है, जो मुझे लगता है कि हमारे हीरो एंड बाकी सबके लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा हीरो एंड उसका नेवला एंड वो स्पिरिट गर्ल तीनों बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में हमारे हीरो एंड उन तीनों ही के साथ क्या होने वाला है यार, सो बने रहना इसी चैनल पर और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको इस एपिसोड का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो हाँ उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। एंड प्लीज कमेंट गाइस, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।